हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 35। ये 24 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये है अगेन स्टोरी राइटिंग पर बेस्ड। तो पिछली वर्कशीट में आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए थे और एक विजुअल इनपुट, एक पिक्चर भी दी गई थी। इन दोनों में से एक पर आपको स्टोरी लिखनी थी। तो उसी पर बेस्ड जो है आपकी ये वाली वर्कशीट भी है। आपको याद रखना है कि एक स्टोरी को लिखते हुए एक सेटिंग होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए और सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो इसी से बनती है, इन्हीं चार कैरेक्टरिस्टिक्स, चार कॉम्पोनेंट से बनती है एक स्टोरी। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है वो भी इसी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी पूरी अच्छी तरह से देखिए और लाइक कीजिए। अब देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या है। तो इस वर्कशीट में आपको दो टास्क दिए गए हैं, तो आपको दो चीजें करनी है। पहला टास्क ये है कि आपको एक स्टोरी बनानी है जिसमें फेरीज है, विच है और गॉडेस है, और यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इस हेल्प बॉक्स को देखते हुए आपको एक स्टोरी बनानी है। थोड़ी सी इस हेल्प बॉक्स में स्पेलिंग एरर है, मतलब थोड़ी सी एक एरर है, मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रेजेस आपको दिए हैं वो है वंस अपॉन अ टाइम, हैंडसम यंग प्रिंस, टर्न इनटू अ फ्रॉग, एवरी डे एट सनराइज, अ विच, अ कर्स, अ ब्रेव प्रिंसेस, ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, हैड पास्ट, टर्नड एनिमीज टू स्टोन्स, फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, मेट द प्रिंस, हेल्प्ड द प्रिंस, फॉट विद द विच, फॉट स्नेक्स, किल्ड डीमन, सेव्ड प्रिंस, ही नेवर टर्नड इनटू अ पिग। अभी पिग की तो बात हुई नहीं थी, वो फ्रॉग में टर्न होता था प्रिंस, तो ये जो है पिग की जगह फ्रॉग है। बस ये थोड़ी सी एरर है, बट इन फ्रेजेस को यूज करते हुए, कुछ आइडियाज को, इस हेल्प बॉक्स को यूज करते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी लिखी है, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि टास्क टू क्या है आपका। तो पहली जो स्टोरी है आपकी, उसका टाइटल हमने यहाँ दिया है द ब्रेव प्रिंसेस। आप इस स्टोरी से आइडिया ले सकते हैं और अपनी स्टोरी भी आप लिख सकते हैं। तो स्टोरी यही है कि एक बार की बात है, डीप इनसाइड अ फॉरेस्ट एक कासल थी, और उस कासल में कौन था, एक राशि डेफिनेटली नहीं थी, लेकिन एक हैंडसम यंग और अनफॉर्चुनेट प्रिंस था। अब वो प्रिंस जो थे वो अनफॉर्चुनेट क्यों था, मतलब बहुत ज्यादा उसकी किस्मत खराब क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि रीजन था एक कोल्ड हार्टेड विकेड विच। तो विच जो थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत ही विकेड थी। तो और उसने एक श्राप दे रखा था प्रिंस को कि हर मॉर्निंग को सनराइज पे जो वो प्रिंस है वो फ्रॉग में बदल जाएगा और कासल में कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो एवरी सनराइज यही होता था कि बेचारा प्रिंस जो है वो फ्रॉग में, एक मेंढक में बदल जाता था। साथ ही एक उसकी जो पड़ोस का देश था वहां पर रहती थी एक ब्रेव वैलियंट प्रिंसेस। वैलियंट का मतलब होता है जो बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही करेजियस हो। तो एक प्रिंसेस रहती थी, वो मार्शल आर्ट्स जानती थी और स्पोर्ट फाइटिंग जानती थी, मतलब तलवार से उसे लड़ना आता था। साथ ही साथ एक फेरी गॉडेस ने उसे ब्लेस किया था और उसके पास मैजिकल पावर्स थी, जिससे कि जो बुरे लोग होते थे, जिनकी बुरी इंटेंशंस होती थी, बुरे थॉट्स होते थे, अगली हार्ट्स होते थे, उनको वो पत्थर में बदल देती थी। तो जो प्रिंसेस थी वो अपनी कंट्री को, अपने देश को बचाने के लिए उसने कई तरह दुश्मनों से लड़ी हुई थी। वो उसी तरह से, एक बार की बात है, एक बार एक डीमन आया था जिसने उसकी कंट्री के, देश के लोगों को बहुत परेशान किया था। तो उसने उसका भी अच्छे से करेज, ब्रेवली उसका सामना किया और उसे मार भगाया। इसी तरह से वो अपनी कंट्री का ध्यान रखती थी। तो एक बार जो है उस प्रिंसेस ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंट्री के बाहर जाएगी, ट्रैवल करेगी और आसपास की जो देश है उनको समझने की कोशिश करेगी और लोगों से मिलेगी। तो उसने अपने बैग्स पैक करे और अपने पैलेस से वो निकल पड़ी। तो जब वो इस जर्नी पर निकल पड़ी तो अलग अलग उसने जगह देखी, अलग अलग लोगों से मिली और इस तरह से ट्रैवल करते हुए उसने बहुत सारी चीजों को सीखा। तो इसी तरह जब वो एक दिन जब ऐसी आगे बढ़ रही थी तो अचानक से वो उसी फॉरेस्ट के पास पहुंची जिस फॉरेस्ट में वो कासल थी, वो महल था जहां पर वो फ्रॉग प्रिंस रहता था। तो क्योंकि प्रिंसेस के पास मैजिकल पास भी थी तो उसे ये सेंस आ गई कि जरूर इस फॉरेस्ट में कुछ तो गड़बड़ है, ये एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, यहाँ जरूर कुछ जादुई है। तो धीरे धीरे जो है बड़ी कॉशियसली, बड़ा अलर्ट होते हुए उस प्रिंसेस ने जो है वो फॉरेस्ट एंटर किया, उस जंगल में घुसी और उसे पता भी नहीं चला वो कासल की तरफ बढ़ने लगी।
एक घंटा हुआ ही था कि अचानक से एक बहुत बड़ी स्नेक्स की आर्मी जो है वो उसकी तरफ उड़कर आने लगी। तो एकदम से जो है वो अलार्म तो हो गई, वो एकदम से बहुत चक्की रह गई, हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने बड़ी ही ब्रेवली जो है उन स्नेक्स की आर्मी का उसने सामना किया और उनसे लड़ाई करी और अपनी मैजिकल पावर्स और डिटर्मिनेशन से उन स्नेक्स को पत्थर में बदल दिया, जिससे वो स्नेक्स जमीन पर गिरकर टूट गए। जैसे ही उसे लगा कि हर जगह यहाँ पर खतरा है, तो प्रिंसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ने लगी। लेकिन अचानक से तेज आवाज आई, बिल्कुल एक जोर से कोई जैसे हंस रहा हो। वो कौन थी? वो वही बिल्कुल अगेन, वो राशि नहीं थी, वो गोपी नहीं थी, बल्कि वो फिर से विकेट विच थी। तो विकेट विच जो है वो जोर से चिल्लाई कि तुमने मेरी स्नेक आर्मी को तो मार दिया, लेकिन तुम इतनी भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे मार पाओ, तुमने मेरे थ्रू अपनी मौत को बुलाया है। ये कहते हुए विकेट विच जोर से चिल्लाने लगी और दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो गई और प्रिंसेस जो है बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने एकदम उसको घूर कर देखा विच को, और दोनों की जो है फाइट जो है बहुत ज्यादा बड़ी बढ़ने लगी। और इस तरह से दोनों में जब फाइट होने लगी, दोनों ने अपनी एनर्जी और पावर एक दूसरे के अगेंस्ट यूज की, लेकिन फाइनली ऑफ कोर्स प्रिंसेस हमारी जो थी वो बहुत ही गुडविल थी उसमें, और धीरे धीरे उसने विच की जो इविल इंटेंशंस थी उनको हरा दिया। तो प्रिंसेस जो है उसको हराने के बाद विच को वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर उसने जो है प्रिंस को उस कासल में डिस्कवर किया। उसने देखा कि कासल में तो ये प्रिंस है। अब क्योंकि विच हार चुकी थी तो इस वजह से जो है उसका जो श्राप था वो भी टूट गया, और उस वजह से जो प्रिंस था वो कभी भी फ्रॉग में नहीं बदला, और वो वापस से जो है हैंडसम प्रिंस बन चुका था। उस प्रिंस ने उस प्रिंसेस को बहुत बार थैंक यू किया और कहा कि मैं जिंदगी भर इस एहसान को मैं भूल नहीं पाऊंगा। और इनके इन दोनों के इस फ्रेंडशिप से आगे उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, दोनों उनकी जो कंट्रीज थी वो भी जो देश थे उनमें भी फ्रेंडशिप हो गई। वो भी एक दूसरे के आगे के जितनी भी जनरेशन थी अच्छे, इन दोनों कंट्रीज के अच्छे से रिलेशंस बने, और इसी वजह से जो कंट्री के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की मदद की और हमेशा ही वो दोनों कंट्रीज के लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो इस तरह से आप इस स्टोरी को लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी इस स्टोरी को लिख सकते हैं यहाँ से सैंपल देखकर। अब हम वापस चलते हैं आपके टास्क टू पर। अब टास्क टू आपका क्या है? तो टास्क टू आपका है कि आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, एक मंकी की पिक्चर, एक बनाना की पिक्चर है, एक लड़की की पिक्चर है, एक अम्ब्रेला, एक छतरी की पिक्चर है और एक ट्री की पिक्चर है। तो इन इनको देखते हुए, इन कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको एक खुद की ही एक सेटिंग बनानी है, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए और साथ ही साथ एक सोल्यूशन भी होना चाहिए। आपको कहा गया है कि आपको क्रिएटिव होना है, तो इस तरह से आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। हमने जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है चिंटी एंड द बनाना फाइट। तो आप इस स्टोरी को पढ़िए और इसे एंजॉय कीजिए। मैं जल्दी से आपको स्टोरी की समरी बता देती हूँ। आप अपनी स्टोरी भी बिल्कुल बना सकते हैं सैंपल आंसर से, सैंपल स्टोरी से आइडिया लेकर। तो इस स्टोरी में यही है, एक बार की बात है, चिंटी नाम की एक लड़की थी, उसे बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद थे। वो इतना ज्यादा पसंद करती थी बनाना को कि उसे हर जगह बनाना चाहिए होता था, चाहे वो बनाना मिल्क शेक हो, बनाना केक हो, बनाना स्मूदी हो, बनाना बटर सैंडविच हो, हर जगह बस बनाना बनाना। तो उसको साथ ही साथ ये भी पसंद था, उसे पार्क में खेलना पसंद था, बाहर बैठना पसंद था। तो एक बार चिंटी जो है वो पार्क में पेड़ के नीचे बैठी होती है और हैप्पीली अपने फेवरेट फ्रूट बनाना को खा रही होती है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और चिंटी को थोड़ा बारिश में भीगना पसंद नहीं था, तो इसलिए जो है वो साथ में अपने अम्ब्रेला भी लेकर आई होती है कि कहीं गलती से बारिश बहुत तेज ना हो जाए, और वो भीगना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो इसलिए साथ में वो उसकी अम्ब्रेला भी वहीं पर रखी हुई थी। अचानक से सडनली एक मंकी जो है वो पेड़ पर कूद पड़ता है और वो देखता है कि चिंटी जो है वो अपना बनाना वहाँ खा रही है बड़े मजे से। तो जो मंकी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मुझे तो बनाना मिल गया, और वो वहां जाकर चिंटी से उसे छीनने की कोशिश करता है। पहले तो चिंटी बहुत ज्यादा डर जाती है और बिल्कुल डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि जो मंकी है वो उसके बनाना की तरफ घूर रहा है, चिंटी को आ जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तो वो कहती है कि ये मेरी फेवरेट चीज, इस पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट चीज है, ये वो लेना चाहता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चिंटी ये सोच ही रही होती है कि इतनी देर में मंकी जो है उसके हाथ से बनाना छीन लेता है और भागने लगता है। फिर चिंटी जो है ऐसी नहीं, लेकिन चिंटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो आसानी से हार जाए।
तो वो पीछे पीछे मंकी के अपनी अम्ब्रेला लेकर भागने लगती है और उसे डराते हुए भागने लगती है। तो आगे आगे मंकी और पीछे पीछे चिंटी, और ये ऐसा नजारा बन गया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो ये जो बनाना फाइट चल रही थी कि आगे आगे जो मंकी चल रहा है भाग रहा है बनाना लेके, और पीछे पीछे चिंटी अपने हाथ में अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे भाग रही है, ये पार्क में सीन देखकर जो सारे लोग थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये जो है अगले 10 मिनट तक बस यही चलता रहता है। फाइनली जो है जो मंकी ही जो है वो बेचारा इतना थक जाता है कि वो थक कर हार कर बिल्कुल वो जो बनाना है वो चिंटी पर वापस फेंक देता है और सैड फेस के साथ वो भाग जाता है। और चिंटी जो है बड़ी ही खुश होकर अपने प्यारे बनाना को उठाती है और हैप्पीली पेड़ के नीचे बैठकर अपने फेवरेट फ्रूट को बड़े ही मजे से खाती है। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह की एक स्टोरी लिख सकते हैं और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट और इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस वर्कशीट में क्या है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वर्कशीट को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट है तो हमसे आप कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।